आपने कल से कुछ खाया नहीं, प्लीज खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगी, भूखे पेट रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी आपको। और इस वक्त आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनना है, खुद अपने लिए और पूरे परिवार के लिए भी। प्लीज विविधा, थोड़ा खा लो, ताकत आएगी। पापा पानी। ए सुमन, उसको ऐसे से कर दे, उसको ठीक हो जाएगा। नो नो, आई एम ओके। दादाजी, ये सांस की तकलीफ कैसे शुरू हुई आपको? नहीं रवीश, ये तो खांसी उनको ठंड की वजह से हो रही होगी, मौसम बदल रहा है ना। अरे शर्मा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डॉक्टर ने कहा था इस तरह की सूखी खांसी एनिमल फर से होती है, जानवर के बालों से। हमारे घर में तो कोई जानवर नहीं। अदिति, क्या हुआ? माँ, वो टेस्ट को लेकर ग्रुप डिस्कशंस है, तो एक अर्जेंट कॉल है। आप लोग प्लीज ब्रेकफास्ट कीजिए ना, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी। सुनो, दूसरे फोन का इंतजाम तो मैंने कर लिया, बट पहला फोन कहाँ है, कहाँ पड़ा होगा, मुझे अब तक नहीं मिल रहा है। अच्छा ओके, जस्ट थिंक, अगर वो पिक्चर्स किसके हाथ में लग चुकी है, कोई हमें ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करना चाहता है, तो तुम्हारे हिसाब से वो इंसान कौन है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने पूरा घर छान मारा और उसके बाद घर पर क्या हुआ तुम्हें तो पता ही है ना। सुनो, एक और बात है जो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। क्या क्या मतलब, कौन सी बात? मैं तुम्हें मिलकर बताना चाहती हूँ। अदिति, मुझे अभी इसी वक्त बताओ। अविनाश, तुम समझते नहीं हो क्या? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी यार। क्या बात है, तुम तो मुझे डरा रही हो यार, ऐसा क्या है? उस रात जब मैं अपना फोन ढूंढ रही थी, तब मैं गुड्डी से मिली थी। वो मुझे अजीब शक की नजरों से देख रही थी और हमारा झगड़ा हो गया, और फिर उसने कोई आ रहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, हेलो अदिति, अदिति काली बिल्ली थी।
आप कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन को मार दिया और मेरी बहन का कातिल इसी घर में इसी परिवार का एक हिस्सा है। परेशान नहीं होना चाहिए। विधा अब तक कुछ साबित नहीं हुआ है, ये सब एक थ्योरी है। ये हादसा एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप आपके परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं या मुझे? मुझे लगा था कि इतना कुछ देखने के बाद कुछ और ना सही, लेकिन कम से कम मुझे समझने जरूर लगी होंगी। ना तो मैंने आज तक कभी किसी गलत करने वाले की तरफदारी की और ना ही उसे बचाने की कोशिश, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना। वो कोई भी अगर आपके परिवार का आपका अपना हुआ तो क्या करेंगे आप? यकीन तो नहीं होता इस परिवार को कोई इंसान ऐसा काम कर सकता है, लेकिन अगर आप जो कह रही हैं वो सच है तो आप मेरा भरोसा कर सकती हैं। उस इंसान को जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो भी है वो जब तक मिल नहीं जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ ऐसे तो डराते हैं। और तुम अकेले बाहर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको कहा है ना अकेले बाहर मत जाया करो, फिर क्यों आए तुम? वो मेरे को बाहर घूमने अंदर अच्छा नहीं लगता है, तो बाहर चलते हैं। नहीं 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 अभी हम बाहर नहीं जा सकते, तुम घर जाओ। नहीं जा सकते हैं बाहर, चलो बाहर चलते हैं, प्लीज बाहर घूमेंगे। नहीं अथर मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकती मेरे साथ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो ना बाहर चलते। अथर मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? सुजाता चाची को मैंने बताया तक नहीं, उन्हें बताना पड़ेगा ना। तो उसको फोन कर देना, उससे उसको बता दे फोन करके। ठीक है चलो। खिलौने की दुकान। खिलौने ले ले। अभी नहीं, बाद में। अभी 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 ले। नहीं सुनो, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक हम बाहर हैं, तुम अपनी मुंह से एक शब्द नहीं निकालोगे। ओके? ओके। चलो। बहुत अच्छी लगती है, सबसे अच्छी। तुम अच्छी। तुमसे मिल
सुनो, अब तुम बिल्कुल चुपचाप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे। चुपचाप क्यों? हम खेल रहे हैं क्या? किसके साथ? कातिल के साथ। कातिल क्या होता है? जब मिलेगा तो जरूर बताऊंगी। ओके अब चलो। चलो क्या करती? मैं डरी हुई थी कि हमारे राज सबके सामने आ जाएंगे। मैं भैया को कैसे फेस करती? और फिर मैंने देखा कि मेरा फोन उसके हाथ में था, और जो हुआ वो मैं करना नहीं चाहती थी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अदिति तुम्हें अंदाज़ है तुमने क्या किया? इसकी वजह से हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस सकते। Do you understand? लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर हम दोनों के बीच में हाथापाई ना हुई होती तो सारा मामला वहीं से बिगड़ गया। मैं गुस्से में थी, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक उसको किसने दिया? और ऐसे कैसे जाने देती मैं उसे? हाथापाई में मेरे हाथ से फोन फिसल कर कहाँ गिर गया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर जगह ढूंढ लिया मैंने। ऐसे भी करके तुम्हें ढूंढना होगा दीदी। ना जमीन में घुस सकते, ना हवा में घुस सकते, होगा कहीं ना कहीं। नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर फोन अब तक किसी के हाथ में नहीं आया है तो वो डेफिनेटली हॉल में होगा, और अगर हॉल में है तो कोई ना कोई हॉल में हर वक्त होता है। मैं ढूंढू तो कैसे ढूंढू? अगर माँ ने या भैया ने या किसी ने भी पकड़ लिया और हम मेरी सांस लो, रिलैक्स करो, फोकस करो। मैं जानता हूँ हमसे गलती हुई, लेकिन जो भी है इसमें और हमेशा हम साथ रहेंगे। ओके, तुम्हें किसी भी कीमत पर वो फोन ढूंढना ही होगा दीदी। Alright? कातिल मिल गया क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।